हाँ डालो डालो डालो, जल्दी पैसा डालो, 5 का 10 मिलेगा और अभी मिलेगा, चलो जल्दी जल्दी डालो। इसका नाम सोनू है, ये भी बहुत ही होशियार और होनहार लड़का है। नहीं वो अभी बचा है। डाल डाल चल। अरे डालना है ये मेरे 10 रुपए। ये क्या सोच रहे तू, चल लगा जल्दी लगा। अरे सोच कौन रहा है, ये रहे 50 रुपए। छुट्टा पैसा लगा रहा है। ये रहे मेरे पैसे। ए भाई तूने लगाया? हाँ लगाया ना। लगा दिया भाई। हाँ मैंने भी लगा दिया भाई। कोई बचा है तुम में से? हाँ मैंने भी लगा दिया भाई। हाँ मैंने भी। तुम्हें शक हो रहा है क्या? पैसे लगा दिए ना, अब आगे क्या होता है देखते जाओ। हाँ तू भी डाल भाई। हो गया भाई, मैं भी लगा सकता हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ। ए रास्ता छोड़, आने दो उसको। भाई चांस मिस नहीं करना चाहता, आने दो भाई आने दो। आओ भाई इसमें कितना लगाना है? जितना पैसा तुम लगाने वाले हो। ए भाई तूने कितना पैसा लगाया है रे? 500 लगाया क्या? 500 मेरा भी रखूंगा तभी तो 1000 लेके जाऊंगा। पूरा का पूरा ही रख दो। अरे भाई लगाने में इतना सोच के रहे हो, लगाओ ना। जब 500 के 1000 हो जाएंगे तभी खाऊंगा मैं। हो गया क्या? तो चढ़ावा थोड़ी है, ये तो मेरे पैसे हैं। चढ़ावा समझ के चढ़ा दो ना। ऐसे क्या बोलते हो तुम? और नहीं तो क्या बोलूं मैं, उन्होंने पैसे लगाने के लिए कहा ना, तुम ही तो देर कर रहे हो। मैं देर कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या। ठीक है कोई बात नहीं, जितना दिल करता है उतना लगा दो। ए भाई जीतने वाले का माल डबल कैसे होता है? अरे भाई मेरी बात मानते ही नहीं है, तुम ही इनको समझाओ यार। अरे टेंशन नहीं, डबल होगा ना, मैं गारंटी देता हूँ। लगाओ लगाओ। भाई ने गाड़ी लाइन पर। हो गया सब लोग का, सब लोग तैयार है? अरे अरे कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है? अरे बस नहीं कुछ और होगा। हाँ चलो सब इधर देखो, इधर देखो। बाबा की पोटली। अरे ये क्या अकेले ही बटोर रहे हो, हमारी किस्मत पर तो पानी फिरा दिया। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई। भाई मेरा 10 तो निकला है। अरे तो खींचना 10 तो दो। मेरे 1000 लगे थे उसका क्या भाई? चलो भाई नेक्स्ट टाइम खेलेंगे, चलो रास्ता दो। क्यों बच्चे की तरह रो रहे हो, तुम्हारा ही पैसा लगा है, हम लोगों ने भी तो लगाया है ना। 500 रुपए चले गए। अबे तो उसने कहा था क्या 500 लगाने के लिए, तूने अपनी मर्जी से लगाई ना, गलती तेरी है कि नहीं? टिकट के पैसे है ना? पूरा पैसा हार गया। अच्छा ही किया, अगली बार खिलौने लेकर आना, घर जाने के लिए पैसे हो जाएंगे। इतना जाना क्यों मार रहे उसको? चल जल्दी चल, जल्दी चल और तेज चला गाड़ी, जल्दी चला। ये आदमी भी इस ग्रुप का एक खास आदमी है। वो जा रहे हैं। रुक पीछे कर देगा। रुक रुक। ओ चाचा करण नहीं है क्या? है तो। अरे कहाँ है करण? पीछे से मिलेगा। क्या बे? तू कब से करंट देने लग गया? गांव में इलेक्ट्रिक तो है नहीं, इसलिए मैंने अपना नाम करंट सिंह रख लिया है कि लोगों को करंट का एहसास हो। बिजली कितनी महंगी हो गई है। हेलो सिंगापुर। अरे ये पुलिस और गुंडे रेस लगा रहे हैं क्या? अरे कुछ भी कर ले नहीं पकड़ पाएगा। अरे दूसरे का सामान बिना पूछे तू यहाँ क्यों ला रहा है? अरे भाई ये माल तो बहुत सॉलिड लग रहा है यार। हाँ भाई ये गांव बॉर्डर पर है, यहाँ दारू की सबसे ज्यादा खपत होती है, दारू की क्वालिटी सबसे शुद्ध होती है और दूर दूर से लोग यहाँ खरीदने आते हैं। सर सर वो गाड़ी आ रही है सर। ओके इसको भी चेक करेंगे, जाने जल्दी कर। हवलदार वो गाड़ी चेक करो। टाइम खोटी मत कर। ये ड्राइवर गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है, कुछ भी कहो। अरे ट्रेनिंग मैंने जो दी है। ए तू जरा चुप बैठ रहे, खा मखा हीरो बन रहा है, ला बॉटल। कोई देख तो नहीं रहा ना, ये लो। हां हां और माने सर। क्या रे क्या बोला, कौन है कौन तू और नाम से क्या बुलाता है, कौन है तू बोल। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक वो बाहर दिख क्यों नहीं रहा है? ए तुम यहीं पर रुको, आज चेकिंग बहुत ज्यादा है, मैं देख कर आता हूँ, ठीक है? शर्ट सर। क्या रे? शर्ट सर। क्या बोला? शर्ट सर। जा नीचे चल। ठीक है सर, ठीक है सर, आप ही अपने हाथ से दे दो सर। क्यों बे, तू इतना बड़ा हो गया है कि पुलिस की गाड़ी ले जाकर उसमें दारू बेचता है, बहुत होशियार समझता है सर। वहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था सर।
इसीलिए चेंज हो गया सर। बीवी में कंफ्यूजन हुआ कभी? उसका नाम मत लीजिए, वो बड़ा कंफ्यूजन है सर। तेरा कंफ्यूजन अभी दूर होगा सर। चल बैठ। कभी तो माफ कर दिया करो सर। चल। वन मिनट सर, मेरा दिमाग कुछ सेट हो रहा है। मेरे पीछे लुंगी में दो चार डंडे जब मारेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। चल सर, डंडे लगाता हूं अभी। हंस क्यों रहा है सर? दिस इज माय कैरेक्टर। कैरेक्टर? हाथ निकाल अपना, यहाँ पे हाथ रख। सर रख, रख जल्दी रख। सर क्या मारने के लिए रखवा रहे हैं सर? क्यों रे, तू अभी भी सच नहीं बताएगा क्या? सर आप ऐसा मत करिए सर। ए कालिया, सर वो देखिए मेरा पार्टनर भी आया है। काहे का पार्टनर? अरे मैं तो चला, नमस्कार। वो तुझे क्यों बुला रहा है? सर आप यहाँ मेरे साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप जस्ट मिस हुए, वो जस्ट एग्जिट हुआ। क्या हुआ? पैसे चाहिए? वो क्या है ना, बुक लेना है, वो खेती बाड़ी का हिसाब लिखना है ना भाई। अगर कुछ हिसाब में छूटा तो वो ठीक बात नहीं है ना भाई, और मेरा भी तो नाम खराब होगा ना भाई। इसीलिए मैं जब भी आपसे पैसे मांगता हूँ कुछ ना कुछ जरूरी काम के लिए ही मांगता हूँ, आप तो जानते ही है ना भाई। थैंक यू भाई। आप आकर हिसाब देख लेना भाई। सुंदर भैया। हाँ क्या है लक्ष्मी? आपने उस घर के भाड़े के बारे में पूछा था क्या? नहीं अभी नहीं। मैं दो चार दिनों में आपका किराया दे दूंगी भैया। बच्चा क्यों रो रहा है? उसे दूध नहीं पिलाया क्या? नहीं अभी नहीं पिलाया, लेकिन पिला दूंगी। ये रखो। नहीं नहीं भैया। अरे रखो ना। ए भाई सुंदर, तुमने जो बैंक से लोन लिया था उसका फिर से नोटिस आया है। नोटिस आते आते तुम परेशान नहीं होते क्या? पोस्टमैन भाई, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत फील हो रहा है। तो फिर तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास पैसा कहाँ है? अरे मैं आते ही दे दूंगा। अरे दे दो पैसा। अरे दो ना मुझे, जरूरत है यार। डर गया? बड़ा आया हमदर्दी जताने वाला। चलो चलो जल्दी। अरे मुझे आराम से, बस चल रही है। तेरे हाथ में ये कहाँ से आ गया सुंदर? तुम कहाँ जा रहे हो ये बता दो। हा? सुंदर क्या कहा? ए किसने लिखा? अरे तुमने लिखा क्या? तुमने लिखा क्या? ए, किसने ए, लिखा? ए, ए, यहाँ से नहीं, अरे वहाँ से फेंका किसी ने। ए लाल ड्रेस वाली, तुमने फेंका क्या? तुम बताओ तुमने फेंका क्या? तुमने फेंका क्या? तुमने फेंका क्या? तुम्हारे कहने से पीछे नहीं जाने वाला मैं। चलो बाजू हटो, तुमने फेंका क्या बताओ? तुमने फेंका? पीछे जाओ पीछे जाओ। ए पीछे जाने को क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कहने से पीछे जाऊंगा क्या? आदमी देख कर बात करो। तो आगे पीछे होना बंद करो ना। हाँ कितनी टिकट चाहिए? चार टिकट दीजिए। ये लो चार टिकट, ₹2 छुट्टे दो। अरे बस बस दो ही चाहिए, बाकी रख लो। ये लड़का बार बार तुझे देख रहा है। ओफो चुप बैठना, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? चुप बैठना उषा। चलो चलो बाहर तन्ने उतरने वाले आगे आ जाओ।
को बेवकूफ बना रहा है। सर क्यों हीरा, लिस्ट पूरी आई है ना? आई है सर। कहाँ कहाँ की आई है? सेंटर से आई है, स्टेट से आई है, डिस्ट्रिक्ट से आई है। ए, रुको रुको रुको, मैं तो अपने लिस्ट की बात कर रहा था। वही बता रहा हूँ सर। मतलब 40 सर। मैं मेरे लिस्ट की बात कर रहा था। कम आई है सर। ठीक है, धीरे बात करो, आजकल लीक होती है बातें, समझे? यस सर। जिन्होंने अपना ख्याल रखा है लाइन में लाकर उनका ही ख्याल रखना। यस सर। पेट अंदर लो। 51। ये अपना लड़का है, संभाल के। इसके 5 लो और बढ़ा दो। जाओ जाओ जाओ। जाओ। ओ मेरी माँ, तुम वहाँ ठीक से तो हो ना? ए, तेरी माँ नीचे नहीं आएगी, तुझे ऊपर जाना पड़ेगा। सर मुझे ऊपर क्यों भेजना चाहते हैं? मुझे सेलेक्ट होकर पुलिस ऑफिसर बनना है। ऊपर तो तुम्हें जाना ही होगा, ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर जाना जरूरी है क्या? मतलब ऊपर जाकर काम पूरा हो जाता है? ए, एक बार में ही पास करना है ना। क्यों पूछ रहा है? बिना प्रैक्टिस के आया हूँ ना इसलिए। जा जा, तुझे बुला रहे हैं। जा। सर ये आप कैसे नाप रहे हैं? सर सर मैं यहाँ तक कूदा था। सर पीछे सर पीछे चलो, सर, पीछे चलो, सर आप चीटिंग कर रहे हैं। चलो सर, इट्स चीटिंग सर, इट्स रॉन्ग। चलो सर, ये यहाँ की बजाय वहां से क्यों नाप रहे हैं? ए चलो 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 पीछे हटो, चलो पीछे हटो, चलो 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 चलो। ए देवनारायण साइन कर। ये क्या हो रहा है? अरे देख क्या रहे हो, साइन करो। सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं? साइन करो और जाओ। अरे क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है भाई, सारा का सारा गड़बड़ निकाला है। क्या हो रहा है कुमार मोहन? ये तो बहुत गलत बात है भाई, साइन करो। क्या कर रहा है? हर काम यहाँ पर साइन करो। चुपचाप साइन कर और ये बहुत गलत कर रहा है। अरे क्या हो रहा है भाई? मैं छोड़ूंगा नहीं, सरासर मैं नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को। बड़ी मुश्किल से छिपाकर लाया हूँ, 4 हैं, छिपाकर ही पीना, समझ गए ना? मुझे धोखा दिया था तूने, पुलिस को देखकर भाग गया था। तुमको तो पता है ना पुलिस वाले लोग बहुत मारते हैं, इसलिए मैं भाग गया। बाहर निकलने दे, मैं तुझे देखता हूँ। अरे अरे अरे, बाहर आना तब मुझे गौर से देखना है। ए तू मुझे बाहर बेल करवा के निकालेगा कि नहीं? तुम भूल गए क्या, पिछली बार जब तुम मालवा जेल में थे तो उस समय भी तो मैंने तुम्हें बाहर निकाला था। ठीक है तुम निकालने की तैयारी करो, जाओ जाओ जाओ, बाय। क्यों जी, कब तक अंदर रहेंगे? तुम्हारे बगैर तो मेरा जीना दुश्वार हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि मैं भी यहीं तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, जल्दी से बाहर आ जाओ ना। आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं क्या? मेरी बीबी नहीं, दूसरे की बीबी है। तू लाइफ में कभी भी आगे नहीं जाएगा। दूसरे की बीबी से प्यार करने में बहुत मजा आता है। अपनी साइज देखकर काम किया करो। पहले खुजा लूं भाई, प्यार के लिए साइज देखना जरूरी नहीं है भाई। आपकी वजह से इन्हें शर्म आती होगी। तुम टेंशन मत लो, मैं पापा को राजी करके तुम्हें दुबई भिजवा दूंगी। मेरा सपना अपने देश का पुलिस बनना है, मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगा, जरूर करूंगा। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मुझे भी बनना है, मुझे भी पुलिस में ही भर्ती होना है। ए जीनत, ओ जीनत नाम है जी। जीनत अमान, सबकी बात बन जाए। ए भाई, तुम उनको जाने को बोल रहे हो, खुद भी जा रहे हो, लेकिन मैं अभी तो आया हूँ,
सुनिए ना, आप अपने दिल की बात बोलिए, उससे ये होगा कि दिल के जज्बात बाहर आएंगे, दबेंगे नहीं। हाँ हाँ बोलिए। ए तुम जाओ। मन को मोहने वाली सुंदरी। ए दोस्त, कौन है वो लड़की जो आपसे मिलने आई थी? क्या तुम उससे प्यार करते हो? प्यार नहीं करते मतलब बीवी है हा? अरे यार तुम बताना क्यों नहीं चाहते, मुझे अपना दोस्त समझो यार, मुझे घूर के डराओ मत, कहीं वो तुम्हारी एक्स मैडम आइटम तो नहीं? फ्रेंड है, दोस्त है। दोस्त का मतलब तू जानता है? तू उसके बारे में क्या जानता है? कभी किसी से दोस्ती किया होता तब तू दोस्ती का मतलब समझता। किसी के बारे में बोलने से पहले कुछ सोच, नहीं तो किसी का दिमाग घूम गया तो तू आउटलाइन हो जाएगा। अब वो कौन है इस बारे में कभी तूने कुछ पूछा तो मैं तेरा वो हल करूंगा कि किसी को भी कुछ दिखाने लायक नहीं रहेगा तू। बड़ा या किसी के बारे में भी पूछने वाला? छे, ए, ए, अपनी आदत सुधार ले, नहीं तो मैं कौन हूं ये सब लोग जानते हैं। चल निकल ले यहां से। ए भाई सुंदर, सुंदर मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते ना? कौन हो तुम? अरे जेल में जिसने तुम्हें चाकू मारा था ना, मैं उसका क्लोज फ्रेंड मालिया हूँ। अरे कौन है बेटा? अरे उसका फ्रेंड है। अरे सुंदर, अरे मार डालूंगा तुझे, सुंदर मार डालूंगा। अरे बचाओ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। ये उस जेल वाले गुंडे का दोस्त है। तेरी जान बचाने के लिए तुझे मारा था, नहीं तो पुलिस वाले रात में तुझे जान से मारने वाले थे। तू मेरी बातों क्यों नहीं मानता? तूने पुलिस वालों को मारा था, उसकी सजा तुम नहीं जानते क्या? उस रात तुम्हें मरी जाना चाहिए था। मेरा दोस्त तुझे अगर नहीं मारता अभी तक तुम यहाँ पर खड़े नहीं होते, और यहाँ पर तुम्हारी चिता भी जल रही होती। चल फेंक इसे, फेंक। अरे फेंक ना। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, तुम उसको दुश्मन मत समझो। उसने मुझे यहाँ तुम्हें देखने भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना मैं तुम्हें देखने क्यों आता? विश्वास नहीं है ना हम पर? विश्वास नहीं है ना? तो ये लो पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ो। रात में क्या क्या हो सकता था खुद पढ़ लो, यकीन आ जाएगा। ये लो पढ़ लो, पढ़ो ना, पढ़ो। हाँ। लच के ला कमरिया। अरे लगता पुलिस आई है। अरे बाप रे, पुलिस आ गई। ए, रुको, उधर कहाँ जा रही हो? ए, पुलिस अगर पूछेगी तो कह देना ये मेरी बहन है, अभी मिल ले। तुम मेरी भाभी हुई, कुछ तो शर्म कर। तब बाथरूम में जाकर चल जा। चल चलो। अरे वाह, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मेरे दोस्त। इस दोस्त की दोस्ती आपने कबूल की, बहुत अच्छा लगा। आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। नहीं ठीक है, ठीक है। उस दिन तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मारना पड़ा। मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ये सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी जान बचाओगी। अरे यार तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? अब हम लोग पक्के दोस्त हैं यार। पुलिस ने तुम्हें बहुत मारा ना? हाँ यार बहुत मारा, बहुत बुरी मार मारी उन लोगों ने मुझे, सब लोगों ने मिलके मार मार के लाल कर दिया था। सॉरी मेरी वजह से तुमको इतनी मार। ए, ऐसा मत बोलो यार, एक बार दोस्त बोल दिया है ना तो तुम्हारे लिए तो जान भी कुर्बान करूंगा। पुलिस वाले चाहे मुझे कितना भी मार ले, मेरे पास हमेशा ऑटोमेटिक कूल बॉडी मसाज वाला फार्मूला है, मैं अभी दिखाता हूँ। ए मालिया, कूल बॉडी वाला मसाज लेकर आओ। अरे थोड़ा वेट कर लेते,
आप हमेशा अपने मसाज के चक्कर में रहते थोड़ा हो। इंतजार करो यार, तुम्हारा भी नंबर आएगा, मसाज करा लेना। वाह, सुन के मैं ताजा हो गया। साहब जी, ये कौन है? यही वो पुलिस है जी। उम्र कैसे देगा क्या? चुप बदमाश। दोस्त तुम उधर बैठ जाओ, केवल बैठना है, बाकी टेंशन मत लेना। हाँ, अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, नहीं मैं बात करता हूँ, वेट करूंगा। ए, तू तो जल्दी लेट जा, लेट जा। रेलवे एप्लीकेशन तो भरा है, जब तक होना चाहे तब तक भरते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। भगवान आपको इस बार जरूर सफल करेगा। भाई, तुम्हारे सर पर बाल नहीं थे, ये मुझे भी नहीं बताया, ये रहस्य मुझसे क्यों छुपाया भाई? नहीं 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 नहीं। इसके सर पे बाल ही नहीं है, ऐसा लग रहा है तबला बजेगा क्या? अरे क्यों भड़क रहे हो यार? ये तेरा आदमी है ना, तेरा आदमी है ना, आज उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरा चेहरा याद रखना, याद रखना मेरा चेहरा। तू देखो देखो वो आ रहा है। कौन आ रहा है तुझे नहीं पता क्या? मुझे कैसे पता होगा? ए, ए, सुंदर, रुक 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 मैं भी आ रहा हूँ। ए, थोड़ा उठिए ना, मुझे बैठना यहाँ पे, वन मिनट। उठो ना, मामला गंभीर है। चलो यहाँ से जाओ उधर। अरे बापरे,
मुझे ये सब नहीं चाहिए। ए, मुझे मेरा कॉइन वापस करो। बिना जान पहचान के इतने दिन मेरा कॉइन रख लिया। मेरे पास वो कॉइन नहीं है। वो पैसा मुझे चाहिए और मुझे तुम ला कर दोगी। मैंने कह दिया ना, ठीक है शाम को आकर ले जाना। मेरा बुक तो वापस कर दो प्लीज। दे दूंगा, शाम को कॉइन दे देना और नोटबुक तुझे मिल जाएगी, समझे? इसको देखो तो कैसे खड़ी है। क्या देख रही है, है? आंखें निकाल लूंगा। क्या बोल रहा था ये, तूने सुना नहीं क्या? कुछ तो कहा होगा ना। ए दोस्त, यार वो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी आएगी आएगी, कितनी बार कहा आएगी। तेरा सवाल सुन सुन के हम लोग पक गए हैं यार। ए, अगर वो नहीं आई तो क्या करेंगे, अब तक चार बस जा चुकी है। वो पक्का आएगी यार, अगर चार बजे वाली बस गई तो पाँच बजे वाली आएगी, पाँच बजे वाली बस गई तो छह बजे आएगी। तेरे साथ हम लोग भी पक्के हैं यार, उसके आने का इंतजार तो तीन घंटे से कर ही रहे हैं ना, थोड़ी देर और कर लेना यार। ये कहाँ जाने की सोच रहा है, कहाँ जा रहा है? आखिर कुछ बताएगा भी? क्या पता, बताना कहाँ जाना है। हाँ बताना बताना यार। ए, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चलो जाओ ऐसे पागल कहीं के। नाम अंजलि क्रिस्टोफर, बीएससी केमिस्ट्री। बेचारी क्रिश्चियन लड़की लगती है। आमीन। अरे ये क्या देख रहा है, नोटबुक के अंदर पीपल के पत्ते क्यों रखे हैं इसने? रुको रुको, यही। अरे ये लड़की तो रिक्शा से आकर उतरी है यार। ये लो पकड़ो मेरी नोटबुक दो। ये क्या, इतने तेवर से क्या देकर गई? क्या हो गया यार, क्या हुआ यार? उसे एक रुपए का कॉइन मांगा था, वो पांच का देकर चली गई। फिर तो तुझे चार रुपए का फायदा हो गया ना? नहीं भाई, अब उनको वही कॉइन चाहिए। ए सोलंकी तू चुप करना। तुम्हें पता है भाई, वो कॉइन दोनों साइड से एक ही जैसा। क्या कहा, उस कॉइन में दोनों तरफ एक जैसा था? ए इतने दिनों से तू हम लोगों को बेवकूफ बना रहा था, आज जीतेगा कल जीतेगा ये बोल बोल कर तू हम लोगों को चूना लगा रहा था। ऐसा नहीं चलेगा, तू हमारे पैसे वापस कर, वापस कर दे। भूल जाओ भूल जाओ, वो सब पैसा तो मेरे खाने पीने में खर्च हो गया, मैं तो पैसा लूटता हूँ। समझाओ ये चुपचाप हमारे पैसे वापस कर दे। मेरे पास पैसा नहीं है बाबा। पैसे हमारी मेहनत की कमाई के थे। उसने देखा तक नहीं, मैंने इतनी मुश्किल से लिखा था। क्या नहीं देखा? मत। पीछे लो पीछे लो। मैं उसका चीफ मिनिस्टर हूँ, ये उसका फाइनेंस मिनिस्टर था। ए बॉडी बिल्डर, ये कार में किसी हीरो की कॉपी मत करना। चलो 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 जल्दी चलो। जेल गए थे तुम और तकलीफ हुई थी मुझे पूरे दिल से। तो ये दिल की बात है क्या? ऐसी बात है तो खुलेआम भी तो कह सकती थी ना। अच्छा सर शुरू हो रहा है, जब से सबसे अच्छा माल अपना ही है। जैसे हमने माल डाला, माल ने अपना काम कर दिखाया और माल डालते ही देखो मछली चली गई ऊपर। बिल्कुल सही है माल। ए भागो, चलो 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 भागो भागो। भाई ये तो पांडे है। ए पांडे आज इधर आना कैसे हो गया? सिल्वा मारा गया। सच में मर गया? हाँ यार सच में। लेकिन वो कैसे मर गया? मरना ही था उसे,
मैंने मारा है उसे। वो जितना बड़ा दुश्मन तुम्हारा था उतना ही बड़ा दुश्मन मेरा था। आज तक तुम उसे मार नहीं पाए, लेकिन मैंने उसे मार गिराया। उसने मुझे धमकी दी, पांडे को धमकी दी। क्या हुआ, आखिरकार वो मेरे हाथों मारा ही गया ना? आप ये बात मानते क्यों नहीं? जश्न मनाओ, जश्न हर जगह। ए, कल मंदिर में तुझे पूजा में बैठा होगा। तुमने यहाँ आकर मुझे ये खुशखबरी दी है ना? ए, उसकी आत्मा को भटकते रहना चाहिए, पूरे गांव में जश्न होना चाहिए, जश्न। देवी माता की जय, देवी माता की जय। ए भाई, चलो दर चलकर प्रसाद ले लेते हैं। चलो चलो चलो। इतनी भीड़ है यहाँ। ए, शायद होगा यार। ठीक है ठीक है, हर एक को चांस मिलेगा। क्या सोच रही हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, दिखता नहीं? कितनी देर हो गई, अपना नंबर कब लगेगा पता नहीं। एक बार प्रसाद मिल जाए। ए, अब जाओ ना। धन्य हो जाएंगे हम तो। कौन है वो, ऐसे क्यों देख रही है? ऐसा लगता है इसको मैंने कहीं देखा है। अभी नाचना बंद करो, मेरे पैसे दो और जाओ यहाँ से। मेरे पैसे मिल गए, अब नाचते पे जाओ। मैं तो पैसे का पुजारी हूँ। हम लोग कैसा नाचते गाते हैं, दिखाए क्या? ये क्या कर रही है? ठीक से डालना। ओह, मैं भी ना। पिएगा तो जल्दी चला जाएगा ना। दे रही है ना? ए, देना। ए, क्या चाहिए? नहीं, पिलाओ ना, पिलाओ ना। ओ, पीना है? ये तो खत्म हो गया। सारा प्रसाद खत्म हो गया ना? तुझे पहले ही कहा था ना कि पिला दे उसे, तू ही नहीं मानी। देख कैसे पिलाती हूँ। पहनने वाले को प्रसाद नहीं देते। तो मुझे नहीं पिलाएगी। रुक। ए, रुक जा। खत्म हो गया था ना। मुझे चश्मा क्यों नहीं पिलाया? प्यार करती हूँ ना। तो फिर बताया क्यों नहीं? ए? प्यार करती हूँ ना। अच्छा, ये बात है तो बोलना। लाओ लाओ। अरे अरे, सबको क्यों बुला रहे हो? ए, रुक जा, सुन मेरी बात सुन। ए, जा जाना, जा जाना। रुक जा, अब मैं तुझे जो कुछ पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। आते जाते मुझे परेशान क्यों कर रही थी, हा? और बार बार पेपर क्यों फेंका? और तुझे बहुत दर्द हो रहा था ना जब मैं जेल गया था? ऐसा क्यों होता है बोलो? बोलना। मुझे नहीं पता, मुझे जाने दो। पहले जवाब दे, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा ना जाने दो। नहीं तो? जाने दो। नहीं तो क्या? नहीं तो। हाँ हाँ। ये हीरो सुनो, तुम वहाँ से यहाँ तक आए तो सही, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाए। हाँ? प्यार व्यार तुम्हारे बस की बात नहीं, सिर्फ लटे उठाते रहना। अरे तेरी तो। जरा संभल कर काटना है भैया। अभी तक धार लगा रहा है, बच्चे के बाल कब उतारेगा? धार बढ़ा रहा था। आप इधर घूम रहे हैं?
आपको किसने देखा तो नहीं? ए, सिल्वा तो मर चुका है ना, अब चाहे मैं जहाँ भी घूमू। सिल्वा के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, वो अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? इसको कब से बिठा कर रखा है? कम से कम बच्चे की बात तो मत कर, क्या क्या कर रहे हैं? सर, वो बड़े साहब कहाँ है? वो इस तरफ खड़े होंगे। हाँ सर, यहाँ पर सब सावधानी बरती जा रही है, सब कुछ। सर, कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? मेरे कुछ बिजनेस अपोजिशन वाले। नाम क्या है? उसका नाम शिवम है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, मेरी जान बचा लो सर, प्लीज। चुप कर सर, दोबारा ऐसी बकवास मत करना। चल चल निकल यहाँ से। अच्छा, एक काम कर, मेरे साथ आ जा। चला आ जा, गाड़ी में बैठ जाओ। जाना, तुझे मैं 12 साल से ढूंढ रहा था। तेरी किस्मत थी जो तू अब तक मुझसे बचा रहा। वो सब पांडे का किया धरा था, मेरी गलती नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं था। यही है ना वो? हाँ यही है, सारी गलती इसी की थी भाई। क्यों भाई, मुझे क्यों फंसा रहे हो? इनको मारने का ऑर्डर तुम्हीं ने तो दिया था मुझे। ये झूठ बोल रहा है भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ए नीचे उतर। ए रमेश, ये बत्ती निकाल दे। मारो इसे, मारो भाई, ये बाइक नहीं चाहिए। ए भाई, ए भाई, मारो इसे, रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, नहीं छोडूंगा, नहीं छोडूंगा। ए मनी, ये तू क्या कर रहा है रे? इसे यही मारेगा क्या? हां, जा गाड़ी में बैठ। मैं इसे छोडूंगा। जा गाड़ी में बैठ, मैंने कहा ना। ए सब लोग, सब गाड़ी में बैठो। मैंने कहा ना, गाड़ी में बैठो। चलो चलो सब लोग, चलो। ए गाड़ी रोक जरा। पल्लवी, तुम भाग क्यों रही थी? कुछ नहीं, बस यूं ही। इधर आ, साला दुश्मनी निकालेगा, मारो भाई इसको। ए रेडी, ये कौन है जानता है? मेरी बेटी है, 12 साल से तुझे ढूंढ रहा था। अब तेरी जिंदगी मेरी दी हुई सांसों पर चलेगी। क्यों मारा मेरी माँ को? मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे माफ कर दो बेटी। कब तैयार है क्या? भाई, भाई मुझे मार नहीं, मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। भाई, भाई मैं रुक जाऊंगा भाई। मेरे बीवी बच्चे हैं भाई, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलो पांडे जी से बात करो। ए, पांडे का नंबर लगा दे। मुझे जाने दो भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो भाई।
गालिब इसे निकम्मा कर दिया, वरना ये भी आदमी था काम का है। अरे उस लड़की को भूल जा यार। ए भाई, मेहनत तुमने की है, प्यार तुम्हें हुआ है, फिर लड़की छोड़ने की बात क्यों हो रही है? चुप कर, तू उसे खामखा चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। सिल्वा कौन है तुझे पता है क्या? वो चाहेगा तो एक मिनट में हमें मसल के रख देगा। तू बिना सोचे समझे उसे फंसाने की बात कर रहा है। ए भाई सुंदर, मेरी बात मान जा। हम लोग चाहे कितने भी गरीब हैं, छोटे हैं, नीच हैं, तू चाहे आशिक है, मजनू है, प्रेमी है, मगर उसके लायक नहीं है। मेरी बात पर ध्यान देना। ए, वो बेचारा टेंशन में है और तुम उसकी टेंशन कम करने के बजाय बढ़ा क्यों रहे हो? मैं उसका दोस्त हूँ, उसका अच्छा बुरा सोचना मेरा कर्तव्य है। मैं उसे मुसीबत में फंसते हुए नहीं देख सकता। क्यों सुंदर, क्या तुम मुझे इस लायक नहीं समझते? ए, इसने उसे प्यार नहीं किया, उसने इससे किया। फिर सिलवाई से ढूंढता फिरेगा, तुम्हें पता है ना। चल मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। जाओ मेरे यार, जल्दी जाओ। ए टपली, उसके बारे में ज्यादा बात मत कर। अपने सिवाय उसका और कौन है यार? वो बहुत जिद्दी दिमाग का है, उसको हम कितना भी समझाएं करेगा अपने मन का। खामखा गुस्सा मत दिलाया कर, चल खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। ए बॉडी बिल्डर, ये पकड़ो, बेकार में किसी हीरो की कॉपी मत करना। चलो 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 जल्दी चलो। रावली वाले उतरो उतरो उतरो। चलो गाड़ी बढ़ाओ, चलो चलो जल्दी चलो। आखिर तुम उसे देखने आ ही गए। हम लोगों ने रात को इतना समझाया, उसका कोई असर नहीं हुआ। नहीं रोक पाया, उसकी बहुत याद आ रही थी मुझे। जाओ। ए उषा। अरे तुम तो कल आने वाले थे ना, तो फिर आज ही कैसे आ गए? कल कॉलेज की छुट्टी है, इसलिए आज ही चला आया। तो सीधे घर ही आ जाते ना। घर पे तुम्हारे पापा मुझे मार ही डालेंगे। इतना डरते हो तो बात क्यों करते हो? ठीक है मैं चलती हूँ, क्लास का टाइम हो गया। थोड़ी देर रुको ना प्लीज। अभी नहीं, बाय। ए पल्लवी, अगर तुम थोड़ी देर पहले आती ना तो मैं अपने होने वाले हस्बैंड से मिलाती। तुम्हारा मंगेतर कलेक्टर है क्या जो उससे मिलना है? वो दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम करता है। महीने की 25,000 तनख्वाह है उसकी, अच्छा है ना? रहने दो ये सब, मुझे क्यों सुना रही हो? तुझे क्यों बुरा लग रहा है? मैं तुझे बता रही हूँ ना, वो तेरे हीरो की तरह इधर उधर घूमता नहीं है। उसके बारे में क्या जानती है तू? हाँ उसके बारे में तुझे बोलने का हक है? तू आ मेरे साथ, मैं तुझे बताती हूँ। इसे पकड़। ये देख, ये देख, देख ले। हर सब्जेक्ट में फर्स्ट, क्या जानती है तू? सारे प्रोफेसर उसके नॉलेज को जानते हैं। सुंदर जैसा ना कोई है और ना कोई होगा, अपनी आंखों से देख ले। सुंदर कॉलेज में नंबर वन है। वो कॉलेज में नंबर वन है इसलिए सबको इस बात की बहुत तकलीफ है। कोई भी उसके बारे में गलत कहे तो मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचता है। मैं उसके दुख को अच्छी तरह से समझती हूँ। वो इंस्पेक्टर बनना चाहता था और देख लेना एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगा। अभी भले ही वो तकलीफ की जिंदगी जी रहा हो पर मुझे यकीन है कि भगवान उसका साथ देंगे। मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। मेरा दिल झूठ नहीं बोलता। वो दिन कब आएगा, कोई बताएगा मुझे? एक पल्लवी, वो एक दिन पुलिस ऑफिसर जरूर बनेगा। ये देख, ये मेरा है। ए पल्लवी, हम इसे ले लें क्या? नहीं नहीं, मेरे प्यार के बारे में सबको जानने दो। अगर इसमें छोड़ेगी तो कोई और ले जाएगा। अरे नहीं नहीं, तो फिर नहीं रखते। हाँ दोस्त, देखो यहाँ तुमसे कोई मिलने आया है। ठीक है उसे रुकने दे, हम तो आ ही रहे ना।
ये लीजिए। कितना है ये? 12,000 है। उसमें से 2,000 और निकाल कर दो। नहीं नहीं, सेठ ने मना किया है। क्या रे, उसे हिसाब देगा? ला मुझे दे। अरे छोड़िए, मुझे दे। छोड़िए ना, देना मुझे, छोड़िए ना। नाटक मत कर, नहीं तो भाई तुझे यहीं काट डालेंगे, समझा क्या? अरे भाई साहब, क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? इसको समझाओ ना, पैसा देने में हरकत क्यों कर रहा है? मैंने क्या किया है? 12,000 रुपए दिए हैं। रख ले, वो भी रख ले। मैं पुलिस को, कलेक्टर को, मंत्री को, सबको पैसा देता हूँ, वो क्या पंप से निकालूंगा? राम सेठ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, इसको बोलो ये भी तुम्हारी बात माने, बोलो इसको अभी, बोलो। अपनी कंपनी की नाक कटाता है, सेठ बोले तो उनकी बात को इंकार करता है। लुलियाना, अब चल निकाल। रोना भाई, ये गोरखपुर से बोलेगा क्या? हिसाब यही समझ सकता है। क्या है? ठीक है ठीक है, हम भी गोरखपुर के हैं। हाँ ठीक है। अरे संभाल के चढ़ना, आ जाओ आ जाओ, हाँ जल्दी जल्दी आओ, आ जाओ भाई आ जाओ, जल्दी करो। बोलो भाई, क्या लोगे, चाय या कॉफी? ए, एक काम कर, तू चाय बोल के आ। भाई वो गर्मा गर्म चाय ही लाएगा, गाड़ी जाएगी, अगर पुलिस का पंगा हुआ तो मेरा नाम तो नहीं आएगा ना भाई। पिछली बार मेरा नाम आया था, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ भाई इन पुलिस वालों से। रुको, ए नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ नीचे। क्या हुआ भाई, नीचे क्यों बुला लिया? आठी, तुमने मना करके अच्छा नहीं किया। अरे कभी तू भी बॉम्बू ही उखाड़ता था, ये माल अगर यहाँ से तेरी गाड़ी में वहाँ जाएगा तो तुझे क्या तकलीफ हो जाएगी? हा? वो बात नहीं है भाई, तुम्हारा माल है, लेकिन पकड़ने पर जुर्माना तो मुझे भी देना होता है ना भाई। बकवास बंद कर, यहाँ के माल में जो फायदा होता है उसमें तो आधा लेने तू फौरन आ जाता है, और अगर कभी नुकसान होता है तो तू रोता ही रहता है, मैं फंस गया हूँ, तू फंस गया है, रोना बंद कर भाई। तुम अपने भरोसे पे लेके जाओ, अब मैं क्या बोलूं। हेलो, कौन है भाई? आपके पीछे पुलिस लगी है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं? अरे भाई पीछे पुलिस है, थोड़ा तेज चलाएंगे तो जल्दी निकल जाएंगे। आने दे, परवाह नहीं, डरने की इसमें क्या बात है? ए! हम उनसे डरते हैं क्या? अरे भाई जब रास्ता खाली है तो स्पीड के साथ निकाल लो ना। क्या हो गया भाई? अपने पीछे पुलिस आ रही है। लेकिन अपने पीछे क्यों आ रही है? आखिरकार जब हम चोरी करेंगे तो पुलिस ही हमें ढूंढेगी ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अरे क्या बोल रहे हो, गाड़ी रोक दो यार। ए, तुम डर गए क्या? ए, चुप, तुम लोगों ने बुलाया इसलिए मैं गाड़ी पर चढ़ गया, वरना मैं आता भी नहीं समझे। सामने पुलिस आ रही है। ए, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। सर मुझे डाउट हो रहा है। आ, रुको। गाड़ी में केला भरा हुआ है सर। सर मुझे डाउट हो रहा है। पका है, खाओ ना सर, खाओ ना सर। केला कहाँ ले जा रहा है? मार्केट में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ सर। ये तो ऐसा लगता है इसमें कुछ। अरे ये क्या है? वो क्या है ना सर, बाजू वाले का गिरा होगा, पता कहाँ चलता है सर। जरा सलिया देना। हाँ सर। ए लकड़ा दे, अरे लकड़ा दे। अरे लकड़े से क्या करोगे तुम? ए जल्दी करो। अरे बोल रहा हूं लकड़ा दे, जल्दी करो भाई। अरे ढूंढने में टाइम लग रहा है, ये लो इसको खिल मार। ये लो खिल मार, लकड़ा लो। ए ओ ओ लग लग। ये क्या हो गया? गाड़ी पंचर हो गई। अरे ये गाड़ी कैसे पंचर हो गई? सर लॉरी हाथ से निकल गई सर। शर्म की बात है, एक लॉरी को नहीं पकड़ सके तुम लोग, डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला दिया। किधर निकले वो लोग? नेशनल हाईवे 4 पे है सर। तुम लोगों के बारे में पुलिस को पता चल चुका है, तुम लोग अपना रास्ता बदल लो। क्यों रे कमीने, मैसेज देता है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ गद्दारी करता है तेरी तो। चल गाड़ी के अंदर। ए उधर से पुलिस पीछा कर रही है। बहुत तेज चलाओ। ए कौन जा रहे, कौन रुक रहे? ए यही गाड़ी है, पीछा करो इसका। मुझे काटा दे।
मुझे जल्दी निकालो। अब मैं तब क्या? हेलो, हो गया सर। चेक पोस्ट बंद करो। कोई भी लॉरी नहीं निकलनी चाहिए। समझ गए? यस सर। हे, यस सर। हे, रुको रुको। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? हे, तुम यहाँ कैसे? वो पीछे इंस्पेक्टर साहब मिले थे, कहा देर मत करो, जल्दी निकलो। जब उसने कह दिया ना, तो फिर इंतजार क्यों कर रहा है? ठीक है सर। चल निकल निकल, चल जल्दी निकल। चलो चलो चलो। चूना लग गया। लॉरी जो यहाँ आई थी, ढूंढो उसे। देखो इधर ही कहीं होगी, ढूंढो उसे। बस बस गाड़ी है, साइड में लगाओ। केरला आ चुका है, आज तो हम लोग बच गए, बस समझ लो तुम्हारी वजह से। ये लीजिए सर। कमाल कर दिया तुमने, आज हम लोग तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से ही बच गए, वरना पुलिस वाले हमारी पुंगी बजा देते। लेकिन तुमने तो पुलिस वालों को ताता थैया का नाच नचा दिया। एक बात सुनो, तुम हमारे सेठ के पास चलोगे क्या? बोलो, रात दिन पैसा कमाओगे, पैसा तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, पानी की तरह बहेगा पैसा, लोग जानेंगे तुम्हें, फुल मजा करोगे, एसी गाड़ी में दिन रात घूमने को मिलेगा भाई, समझ रहे हो ना? तो क्या जेल भेजना है? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? बाहर अगर कहीं लफड़ा भी होता है तो पहले अंदर मैं जाऊंगा, ऐसा ही होगा भाई। मैं तुम्हें क्यों जेल भेजूंगा? इस लाइन का सिलवा क्या है? हमारा किंग, वो क्या जेल में है? अपने को कर्नाटक से केरला केवल माली तो पहुंचाना होता है ना, काम कठिन नहीं है दोस्त। तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, केरला हो, इसके अलावा और कोई एरिया हो, इतना ज्यादा सोचने का नहीं भाई। जो ये काम करेगा जिंदगी में आगे वही बढ़ेगा। गलत है, और मैं जिंदगी में गलत काम कभी नहीं करूंगा। मैं क्या हूँ मेरे बारे में तुम्हें कुछ पता है? इसे जानते हो तो जान लो, चाय बेच के अपना पेट पालता है। तू क्या जानता है? मैं एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी हूँ, तुम्हारी तरह मैं किसी का घर बर्बाद करके अपना घर नहीं चलाता। तुम इस तरह मेहनत करके चाहे कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन वो पैसे हाथ में नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर पैसा पसीना बहाकर कमाओगे तो सीना चौड़ा होता है। लेकिन इतनी बातें अब सोचता कौन है? मैं पुलिस नहीं बन सका तो इसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन बनूंगा जरूर। ए, तू इस लाइन में तो है, लेकिन तू अपने दिल से पूछ कि तू कभी खुश रह सकता है क्या? तू चाय कैसे बेचेगा? तेरा खून बहना और मेरा पसीना बहना बराबर नहीं है, तेरा खून पानी हो चुका है। जिस दिन तू ये बात समझ जाएगा, मुझसे आकर मिलना, तुझ में क्या बदलाव आया है मैं बता दूंगा। मैं यार को डूबता नहीं देख सकता, ये मेरा जमीर मुझसे कहता है और साथ में सुंदर का दिल भी कहता है। तू मेरा भाई है, मैं तुझे अच्छा बनता हुआ देखूंगा। मुझे पता है कि तू अंदर से गलत इंसान नहीं है, मैं जानता हूं सत्य की जीत होगी, मुझे पता है सत्य की जीत होगी। भाई एक सिगरेट दे। अरे लाइन लगो ना भाई, अरे सबको जाना है, हमें भी जाना है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये कोई जगह उल्टी करने की, नाले पर जाकर उल्टी करो ना। अरे भाई सोडा भी ले रहा हूँ। अरे भाई ये मेरे पहचान वाले, थोड़ी तो अक्कल होनी चाहिए, ले जाओ इसे। हाँ लेके जाता हूँ, धंधा खराब कर देगा। अरे ये कोई जगह उल्टी करने की, अगर पहचान वाला है तो लेकर जाओ इसे अभी। ए भाई क्या हुआ तुझे? अरे बताना मुझे क्या खाया था तूने, बताना क्या खाया था भाई। ए भाई क्या बात है बताओ। अरे भाई, अरे क्या करूं मैं सिर रख के, कोई काम नहीं देता। पूरी बात तो बता दो कि हुआ क्या है, कोई भी बात बिना बताए इसे फेंक क्यों रहे हो? भाई पूरी किए 4 सालों के, अगर कुछ कोई नौकरी नहीं देता। रो मत यार, रो मत भाई। भाई अब तो जिंदगी बहुत सी लगता है कि पढ़ाई लिखना सब बेकार हो गया। मेरा पर्दा भी बेकार हो गया। रो क्यों रहे हो? अब किसी भी लायक नहीं रहा, बच्चे भी एक नहीं। भाई तू बता ना मैं क्या करूं? कुछ नहीं भाई। अरे मेरे तो एक नहीं, मेरे तो 2 लड़के और 2 लड़के मिलाकर 4 बच्चे। भाई
ए भाई कैसे जीऊं? अरे रो मत, मेरा एक काम करोगे हाँ। ना तुम मेरे काम करोगे ना? हाँ करूंगा। देखो तो इनकार मत हाँ, बोलू ना, करूंगा। मेरी जो पढ़ाई की डिग्री है हाँ, करूंगा ना। खेल के सर्टिफिकेट है उन सबको यहाँ रख कर जला दो, जला दो उन सबको, अभी जला। अरे धीरज रखो, धीरज रखो। सुन, मेरी पढ़ाई के लिए तूने बहुत पैसे खर्च किए हैं, मेरे पास डिग्रियों की कमी नहीं है, फिर ऐसा क्यों रे? मुझे अब अपने ऊपर शर्म आ रही है भाई, शर्म आ रही। तू तो जानता है, अच्छी तरह जानता है, डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी, फिर भी मैं भीख मांगने लायक हूँ? भगवान, सब रखो भाई, नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। झूठ, इसकी क्या औकात है इसकी? इसको गवर्नमेंट के म्यूजियम में जाके रख दो, जाओ। अरे भाई, इस दुनिया में पढ़े लिखे हो काम नहीं मिलता, यहाँ जो पैसा देता है अभी सुनी जाती है उसकी, उसको ही काम मिलता है। तू भी जा, जा तू भी। मुझे जॉब मिली है, मैं जॉब पर जाऊंगा, उसी की तैयारी है, मैं टॉर्च भी ले आया हूं, लौटने में देर हो जाएगी ना। लक्ष्मी, थोड़ा सा खाना तो खा ले बेटा। यहाँ पर नोटिस चिपका दो। सर, ये क्या चिपकाया है? तुम कौन हो? मेरा नाम सुंदर है। तब तो तुम्हें पता होगा रमेश के कर्ज के बारे में। नोटिस है भाई, घर खाली करने का। उसने पैसा नहीं चुकाया ना, और पैसा भी नहीं मिला तो कोर्ट से बेच देगी। हो गया क्या? तुमने फोड़ो ली? हाँ सर। चलो नहीं।
ए रोको भैया, रोको रोको रोको। ए सुंदर, हाँ। तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर पैसे लेकर आता हूँ। ए सालिया भाई, मनी चालक आदमी वो पैसा नहीं देगा। ए, वो मेरे लिए कभी भी मना नहीं करता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं अंदर से आता हूँ यार। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए। ए सुंदर, ये मेरे दोस्त का घर है यार, वो मुझे किसी भी वक्त मना नहीं कर सकता है। वो मेरे खातिर अपना दिल भी बाहर निकाल सकता है। तू अपना मुंह बंद रख, मैं अभी गया और अभी आया। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही। रोजी भाटिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम लगती हो सिनेमा स्टार। अच्छा मुझे ये बताओ, इतना मेंटेन कब कर लिया, मुझे एक बार तो बताना चाहिए था ना। खैर छोड़ो छोड़ो, रतन को बुलाओ। इस समय यहाँ आकर चिल्लाने का क्या मतलब है, अभी जाओ कल सुबह आना। जाने को बोलती हो मुझको, क्या बक रही हो। ए रोजी, सबकी भौजी, तुम वो दिन भूल गई जब मैंने तुम्हें बाहर से बुलाया था और ला करके रतन से मिलवाया था, तब तुम्हारा स्टार चमका और तुम रानी से महारानी बन गई। सुंदरी सुंदरी, सबकी चहेती, अब अकड़ती हो, मामला गर्म है। अच्छा ये बताओ, क्या मैं बुरा आदमी था, वो दिन भूल गई जब हम तुम रोज कबड्डी कबड्डी खेलते थे। हा? हा? क्या कर रहे हो? चल बाद में करता हूँ, अभी तो रतन आ रहा है। कैसा है रतन? क्यों रे, उसकी साड़ी खींच रहा था, बहुत गरीब आना है उसके, क्या तू अपने औकात भूल गया है? तुम इधर आओ। सॉरी रतन भाई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना था। क्या बात करनी है तुम्हें? अर्जेंटली 3 लाख रुपए चाहिए मुझे। इतने पैसे कहाँ से थे तुझे? मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। यहाँ क्या तुम्हारा खजाना खड़ा हुआ है? तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारी जरूरत पर मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे ना। मेरे से तू अपना एहसान जता रहा है? तेरे जैसे को घर पे बुलाया किसने? निकल यहाँ से। अब यहाँ आकर के मेरा भेजा मत चटकाना, क्या समझता है तू, तेरे जैसा बेवकूफ हूँ मैं? अरे मैं तेरा बाप हूँ, बाप। ए रतन, मुझे चर्बी दिखाता है। देखने तुझे मेरी चर्बी देखते हैं? ऐसा ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है? मेरे को लात मारा भाई। उसने मारा तुम्हें? भाई चलो, उसकी जरूरत पर मैंने उसे पैसे दिए और आज उसने मुझे मारा। आराम से। मैंने कहा था ना भाई, इतनी रात को वो पैसे नहीं देगा, और देगा क्या हुआ? अरे तू चुप कर, जो मैंने कहा चुप कर। मैं तो कहता हूँ भाई उसे मार डालो। चुप, नहीं नहीं मारना है उसे, नहीं मारना है मुझे उसे। भाई यहाँ लगी है, पूरे शरीर में लगी है, पीता जरूर हूं मैं, मगर मुझे सहारा नहीं चाहिए। ए, छोड़ मुझे। संभाल कर भाई, तुम्हें ऐसे कुत्ते के पास आना ही नहीं चाहिए था। ये कुत्ते हमेशा मालिक को ही काटते हैं। मैंने कहा था उसे मत छोड़ो, तुमने उसकी जान बचाई थी, क्यों बचाई थी जान? ए, मेरे को मारा, मेरे को लात मारा। संभाल के भाई। ए, ये क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो भाई? ए? मेरे को लात मारा, मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा है आज। उसके लिए पुलिस से कितनी मार खाई है मैंने, पता है? तमिलनाडु की पुलिस हो चाहे केरला की पुलिस हो, सभी से मार खाई थी मैंने उसके लिए, बस उसी के लिए, अपने लिए नहीं। ये पैर जो कटा है ये भी उसी के लिए, और वही लात मारता है। ए, सब भूल जा तू, भूल जा तू सब। ए मालिया, तूने अभी तक जितना कैश जमा किया सब निकाल, निकाल सब। सोच क्या रहा है तू? मैं भी कितना पागल हूँ, जिसको मैंने कभी कुछ दिया नहीं उससे मांग रहा हूँ। मेरी इज्जत नहीं है ना, क्या करूँ दोस्त के लिए, मगर दोस्त के लिए मैं कुछ करूंगा, जरूर करूंगा। ये चेन,
ये चेन बेच कर भी मैं तुम्हारी जरूरत का पैसा कवर नहीं कर पाऊंगा। ये तो स्टाइल के लिए पहन रखी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ए, तुम्हें 3 लाख चाहिए ना, कैश चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे ला कर दूंगा। तुम टेंशन मत लेना, मेरा यकीन करना, मैं पैसे ला के दूंगा, मैं पैसे ला के दूंगा। हे दोस्त, अपने लिए पहले कंट्री लेकर आ, छोटा भी चलेगा, पीने के बाद सोचते हैं। हाँ दोस्त। तेरी शर्त मैंने मान ली है, अब मैं भी तेरे साथ गलत काम करूंगा। ए, क्या बोला तू? तेरे उस सेठ के साथ और तेरे साथ मैं चोरी का काम करूंगा, वरना हम दोनों नहीं मिल सकते। ए, बकवास, मेरी बात सुन। अब मुझे ना नहीं सुनना है, अब काम करना मतलब करना है। मालिया, पैसा पैसा चाहिए मुझे, पैसा। पैसा आएगा तभी घर बचेगा, तभी घर बचेगा। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? कौन हो तुम और मुझसे क्या काम है तुम्हारा? मुझे अभी तक नहीं देखा क्या कहीं? अच्छा, तू वही चोरी करने वाला है ना? सुनो, तुम हिट लिस्ट में हो। सर, मेरा नाम सुंदर है। तू कौन है रे? मैं इसका दोस्त हूँ। चोर का दोस्त? चोर तो नहीं, किस लिए आए हो? सर, मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, आप उसमें पार्टनर बनना चाहेंगे? पार्टनर? वाह वाह, बिजनेस क्या है आपका? स्पिरिट स्मगलिंग का। एक पुलिस वाले के सामने स्पिरिट स्मगलिंग की बात करते हो? जेल में डालकर सड़ा दूंगा तुझको। पुलिस में आने से पहले आप क्या थे मुझे पता है, बहुत बड़े चोर थे। कन्याकुमारी के एक बहुत ही पॉश एरिया में आपका एक शानदार घर है, चोरी का है, सेंट पीटर का बंगला और उसका ऑफिस तुमने कैसे हड़पा मुझे पता है। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर के पीछे तुम्हारा एक होटल है, हजारों एकड़ की जमीन बीवी के नाम पर है, वो दुनिया नहीं जानती है, लेकिन मैं जानता हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ। और क्या जानता है तू मेरे बारे में? तेरा मतलब मैं फंस जाऊंगा क्या रे? नहीं फंसेंगे सर, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ खुद ही आधे से ज्यादा चोर है, मुझे पता है। पुलिस चोर है ये बोलना चाहता है तू? नहीं नहीं सर, चोरी में पार्टनरशिप, भाई के साथ सुंदर है और सुंदर के पार्टनर आप, ट्रांसपोर्ट का सभी काम आपके ही हाथ में होता है सर, आपके लिए मुश्किल क्या है? बराबर का प्रॉफिट भी है और आपकी जेब भी भर जाएगी। मैं नहीं माना तो? मैं अपना काम तो करता रहूंगा, आपको ही लॉस होगा। मेरे रहते तू ये चेक पोस्ट कभी पार नहीं कर पाएगा, अगर वहां आया तो मैं मार दूंगा। मार देना सर, मैं नहीं डरता। तो मेरी गोली खाएगा तू? वो देख लेंगे, आप वहां मिलो तो पहले डील तो होके ही रहेगी। तो ठीक है, निशाना चुकेगा नहीं, मैं तो भेजा भार कर दूंगा। क्यों रे, जवाब तो दे, डर गया क्या? आज रात को 12 बजे ही कलिया चेक पोस्ट से मैं स्प्रिट स्मगलिंग करूंगा, रोक कर बताना। दुआ दीजिए, मुझे जल्दी जाना है। क्या है रे सर? कहा है ना 12:30 के पहले चेक पोस्ट नहीं खुलेगा। चल हट इधर से, चल जा, निकल इधर से, चल रे। 12:30 बज गए, वो आया नहीं अभी तलक। ए, उस गाड़ी को रोक के साइड में लो। ए, तू तो वही है ना, यानी उसकी गाड़ी सर, है। आई से चल, चल बाहर निकल, चल 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 अंदर, आई से चल, आजा, चल, 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 चल उधर अंदर जाके चेक कर। अरे ठीक से चेक कर सर, लेट हुए तो आइस पिघल जाएगी सर। रात को 12 बजे आइस का क्या होगा सर? मछली रखने के लिए। मच्छी रखने? हाँ। रात को 12 बजे? ए, आइस को नीचे गिरा दे। सर सर, आइस टूट जाएगी सर, आइस को नीचे मत रखो सर, सर टूट जाएगी आइस, आइस। कहाँ ना, चुप रहे, मेरी बात सुन सर। अरे ये क्या दिख रहा है? आइस के अंदर पैकेट छुपा हुआ है।
सर ये क्या है, किसका है मुझे नहीं पता है सर। नहीं पता सर? सर मुझे नहीं पता किसके है ये दारू। पता सर? नहीं सर मुझे नहीं पता। जल्दी बता किसके है ये दारू। नहीं पता सर, नहीं पता। मुझे मत मारो सर। सुंदर का है सर, सुंदर का। फिर पकड़ा गया ना, पकड़ा गया ना रे तू। सुंदर तू चेक पोस्ट ओपन करो। आ गया ना हाथ से, मुझे बेवकूफ बनाने की सोच रहा था। नमस्ते सर। तू तो बड़ा क्रिमिनल था, कल मेरे सामने क्या बात कर रहा था? यहाँ से दारू पास करके ले जाएगा। आपने सही पकड़ा। हाँ ये सर, मार्क का वाटर पैकेट है, सही पकड़ा। ए सुनो खलासी, ये बर्फ जो नीचे गिराई है इसका पैसा क्या तू भरेगा? इधर आ। आ गया। क्या है रे इसमें? वाटर तो 0 डिग्री पर जमता है ना, जबकि स्प्रिट जमता है -120 डिग्री पर। ये तो बच्चे बच्चे भी जानते हैं सर, पर आप नहीं। ये तो बेसिक साइंस है यार। सर ये पढ़ा लिखा है सर, ये पढ़ा लिखा है सर। ये पैकेट दीजिए ना, हाथ ठंडा तो करूं। तो फिर ये स्प्रिट किधर है? स्प्रिट तो सेफ्टी के साथ बॉर्डर क्रॉस करके निकल गया और आप मेरा कुछ कर नहीं पाए। वाटर पैकेट को नीचे गिरा कर क्यों ठंडे पानी से नहाने का प्रोग्राम बना रहे हो आप सर? क्या तू सच बोल रहा है? अरे ठंडा हो जाओ, ठंडा हो जाओ, ठंडा हो जाओ सर। अभी ये घंटी बजती गाड़ी गई ना, स्प्रिट उसी में पास हुआ है सर, फायर सर्विस। सुंदर सर को घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी होगी ना? वो फायर सर्विस नहीं था, सुंदर का स्प्रिट सर्विस था। तुम दोनों स्मार्ट हो, मैं तुम दोनों से पार्टनरशिप करूंगा। ओ ए उषा, तुम अंदर मत आओ ना, कुछ बात कर ली है, आने देना। अभी क्यों आए हो? ये क्या है? अंगूठी है। अभी अंगूठी पहनाने का समय है क्या? क्यों मरी, इतनी बड़ी मछली लेकर जा रहे हो? घर में कोई मेहमान आने वाला है क्या? बहुत जल्दी में हो। तुम हर बार भूल क्यों जाती हो? आज छुट्टी का दिन है, मेरी बेटी के दोस्त लोग घर पर आने वाले हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये मछली लेकर जा रहा हूँ, समझ गई तुम? ए, क्या कर रहे हो? बाबूजी आ जाएंगे ना। मत कर, जब तक मैं हूँ तेरे पिता कुछ नहीं कर सकते। अरे चलमोही, अरे आप मुंह काला कर रही है, मेरा नाम मिट्टी में मिला दे तूने। बाबूजी नहीं, बाबूजी बाबूजी हमने ऐसा कुछ नहीं किया बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी। तुझे काट डालूंगा रे पापी। अरे भाई क्या हुआ? अरे क्या हो गया आपको? चोट कैसे लगी? क्या हो गया बताओ तो सही, क्या हुआ? हे भगवान, भाई भाई ये क्या भाई? भाई सिलवा, भाई इधर आओ, इधर आओ भाई, देखो भाई क्या हो गया तुमको? तूने मुझे आगे देखो, इनको क्या हो गया भाई? बोलो ना भाई, बोलो, बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो, क्या किया तुमने? ए मणि ये क्या हुआ? अरे बोलो ना भाई। क्या कहूं भाई, मेरी बेटी मुंह काला कर रही थी, मैं जीता जी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपनी बेटी को काट डाला भाई। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इस कतार से मैंने अपनी बेटी को काट डाला। आपने उषा को क्यों मार डाला? क्यों मारा उसे? क्या गलती थी उसकी? बोलो, अंदर लेके जाओ उसे। क्या गलती थी उषा की? अंदर लेके जाओ। क्या गलती की थी उसने? क्या बिगाड़ा था? अंदर लेके जाओ इसे, लेके जाओ। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन क्यों? पुलिस स्टेशन क्यों? मेरी जगह मैं होता तो उसे भी मार देता। तुमने गलत क्या किया? भूल जाओ सब, भूल जाओ सब कुछ, मैं कह रहा हूँ ना, लाइए दे मुझे। भाई को अंदर ले जाओ, लेके जाओ, जाके नहला दो, जाओ जाओ। भाई अब क्या करना है भाई? ये ले, ऐसे डालकर उसका पूरा घर जला दे, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है भाई। आ,
बेटी, गलती उसकी भी थी ना। प्यार करने वाले को मार क्यों दिया जाता है पापा? वो तो फूल जैसी थी, फिर उसे क्यों मार डाला चाचा जी ने? आप ही बताइए ना पापा, क्या हर प्यार करने वाले को इसी तरह से मार दिया जाएगा? क्या आप इसे इंसाफ मानते हैं? उसका नाम क्या है जिससे तुम प्यार करती हो? कहाँ रहता है वो? ए कुंजनी, मैं कब से पेपर पढ़ने के लिए बैठा हूँ, दूसरा पेपर लाके देना बे। ये कौन है? ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, ये इतने गुस्से में क्यों है भाई? इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं भाई। ये सुनो, तुम लोग सुंदर के फ्रेंड हो ना? हाँ भाई। सुंदर यहाँ आता है क्या? हाँ? कैसा बिजनेस? नहीं पता। चलो उतरो उतरो उतरो, चलो चलो। ये बस आई ना, ये रोज आती है ना? हाँ भाई रोज आती है। नहीं भाई, ये बस तो कभी कभी आती है। अरे बाप रे बाप, गुस्से में क्यों देख रहे हैं आप लोग? सुंदर यहाँ अभी जरूर आएगा। किधर जाओगे तुम लोग? भूख लगी है भाई, खाने। ठीक है जाओ। चलो भाई चलो चलो। मैंने कहा था सुंदर को कि भूल जाओ उसे, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। आज ये दोनों गुस्से में आए हैं, पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। मुझे तो लगता है कि भाई इसकी पुंगी बज गई। जो होगा सामने ही होगा ना। भाई यही है, मैं बात करता हूँ, तुम जाओ। सिल्वा है। पता है। हाँ वो तो होगा, वो तो होगा। तू जो भी धंधा कर रहा है ना, मदिरा का मतलब दारू का, मैं वो कई साल पहले करके छोड़ चुका हूँ, तेरे लिए नया होगा। 28 साल तक मैंने यही धंधा किया। इस धंधे में मैंने अपनी बीवी को खोया है, अब कुछ नहीं खोऊंगा। इसीलिए कहता हूँ मेरी लड़की का पीछा छोड़ दे, तेरी इसी में भलाई है। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू जिंदा रहेगा या नहीं ये तू नहीं जानता। फिर तू ये बिल्कुल मत कहना कि सिल्वा ने तुझे मौका नहीं दिया। मैं अपनी लड़की एक दारू बेचने वाले के हाथ नहीं दूंगा, अपनी जात में उसकी शादी करूंगा। तरस आती है तुझ पे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ए, तू भी अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या कह रहा हूं। छोड़ दूंगा मैं वो धंधा, छोड़ दूंगा। मेरे बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे भी वो धंधा करने का शौक नहीं है। मैं इस धंधे में मजबूरी से आया हूं, मेरा कोई ये खानदानी धंधा है ही नहीं। मुझे अब तक गवर्नमेंट सर्विस मिली नहीं ना, इसलिए मैं कोई और सर्विस नहीं कर पाया। मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बीएड पास किया है, लेकिन गवर्नमेंट को उससे क्या? नो चिंता। लेकिन मेरा वो भाई जब कर्ज में डूब गया था तो फिर मां बाप का घर नीलाम होना था, उसी घर को बचाने के लिए मुझे ये धंधा करना पड़ा। इसी तरह तुम अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं उसको अपनी जान से बढ़कर सम्मान दूंगा। बोलो ना भाई, ठीक कहा ना? अब तो वो बड़े आराम से देगा यार। क्या बोला भाई, मार दे। वे, ए मेरा दामाद है। हाँ?
इस चर्च में विवाह के लिए आई सिल्वा की बेटी पल्लवी का विवाह निमक्ष गांव के स्वर्गीय बालदमन के बेटे सुंदर के साथ कल होने वाला है। ये विवाह दोनों पक्षों की मर्जी से और लड़का लड़की की पसंद से होने वाला है। यहां पर आए हुए सभी लोग इस विवाह के साक्षी बनेंगे। खुशी के साथ विवाह संपन्न होगा। और बताओ भाई, पीने में मजा आ रहा है ना? आ रहा है, और दो। क्या बात है, स्टॉक खत्म हो रहा है क्या? आएगा आएगा भाई, तुम्हारा फ्रेंड तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला यार। उसने तो ऐसा चक्कर चला दिया कि सिल्वा भी उसके जाल में फंस गया। ए, ऐसी बात मत कर। मेरा दोस्त प्यार करता है उससे, सच्चा प्यार, वो भी दिल से करता है। अरे तुम्हें क्या पता है, वो गेम खेल रहा है सब पैसों के लिए। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। पैसा यार पैसा, वो पढ़ा लिखा है ना, दिमाग लगा रहा है। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, सब बोले जाएगा, समझ गए ना? ए, तू उसके बारे में ऐसा मत बोल। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मगर उसके पास है। वो किसी का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, तुम खुद ही सोच लो ना। कल वो हिंदू था, आज पैसों के लिए वो क्रिश्चियन बन गया है। इतनी आसानी से वो बदला, केवल पैसों के लिए ना? अब क्या सोचते हो, उसके दिमाग का जादू ऐसा चल गया है कि सिल्वा उसकी झोली में जाकर गिर गया है। बोलो कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बार बार मतलब, क्या मतलब, क्या पूछते हो? आज सिल्वा के पास बहुत पैसा है, इसलिए उसने शादी की। तुमने क्या मिला? तुम उससे अभी कुछ मांगोगे तो वो क्या तुम्हें कुछ देगा? उल्टा तुम्हें भगा देगा। जाओ। ए, तू मेरे दोस्त के बारे में ऐसा बोलता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू गुस्सा यहीं दिखा सकता है? मैं तो अंदर जाके दिखा। तू मेरा कॉलर तो पकड़ रहा है? तू सिल्वा की बेटी से प्यार करता है ना, या फिर उसकी दौलत से? तेरे को तो मैं बाद में देख लूंगा। बड़ी खुशी की बात है कि ये शादी इस चर्च में कल होनी है। अगर इस शादी से कोई खुश नहीं है तो वो अपनी बात लोगों के बीच में आकर कह सकता है। वर और वधु भी अगर कोई परेशानी या दिक्कत हो तो सभी के सामने आकर बता सकते हैं। अगर किसी को भी इनकार हो तो? मुझे इनकार है। बताओ, मुझे अभी बताओ, तू सिल्वा की बेटी से प्यार करता है या उसकी दौलत से? अरे तू ये सब क्या बोल रहा है? बताओ तुम मुझे अभी, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि तू उससे दिल से प्यार करता है। ये तो सबको पता है ना यार? नहीं पता है रे, सारे गांव वाले नहीं मानते। तू उनके सामने जाकर क्यों नहीं बोल देता? ए, क्या रे, तूने दारू पी है क्या? हाँ यार, इसलिए ऐसा बोल रहा है, इसलिए तू उल्टी सीधी बात कर रहा है। तू अभी जा यहां से, जा यहां से निकल। पर मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं भाई, तू अपना जिगरी दोस्त है, मैं तुझे फंसने नहीं दूंगा। क्या बात कर रहा है यहाँ खड़े होके? कुछ भी करूँ तुमसे क्या है, इन दोनों की शादी बाहर भी हो सकती है, फिर क्यों दोनों की शादी यहाँ करवा रहे हो? ए, अबे ये तो क्या बकवास कर रहा है, बंद कर अपनी जबान। कुछ भी नहीं पता है, शादी चर्च में क्यों होगी, बाहर भी तो जगह है। चुप रह। तू कौन है रे, चुप बैठ जाके, ये इन्हीं लोगों की चाल है। अरे अबे ओ, बहुत बोल लिया, अब आगे कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। सिल्वा तू भी ऊंची आवाज में बात मत कर। क्यों अपना नाम खराब कर रहा है? मालूम नहीं, तू चुप बैठ। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए फादर। एक हिंदू की शादी चर्च में क्यों कर रहे हैं आप? जाइए जाइए, आप जाइए, मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ, ये मेरे दोस्त का मामला है, समझे? ए, अरे तू चुप कर यार। शांत हो जाइए, दोनों पक्ष आएंगे तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। जिसको भी अपना कमेंट देना है वो यहाँ आकर दे सकता है, इसकी जिम्मेदारी सिल्वा पर है। सिल्वा, आपने चर्च में सबको बुलाया है, आप ही साफ साफ बताइए। नहीं फादर, नहीं फादर, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ। तू समझता क्यों नहीं है, झूठ बोल के मुझे अंधेरे में रख सकता है तू, मगर गांव वालों को नहीं। तू पैसों के लिए शादी कर रहा है। किसने बोला, किसने बोला? तू गांव वालों की बात नहीं बोल रहा है, अपनी खुद की बात बोल रहा है। तेरे बारे में गांव वालों की बात मैंने अपने कानों से सुनी है, इसी कान से। एक्टिंग कर रहे हो, दोनों मिलके एक्टिंग कर रहे हो? हाँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, पूरे मूड में कर रहा हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि इससे रिश्ता मत करो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, सब इसकी वजह से हुआ है। तू अपनी लड़की अपने पास रख। नहीं चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो, हम तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आए थे, तुम ही हमारे यहाँ आए थे रिश्ता लेकर। अभी बकवास कर रहे हो, जबरदस्ती मत करो। शांत हो जाइए, रुक जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। दोनों पक्ष चाहेंगे तो यहाँ शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। जिसको भी अपना कमेंट देना है वो यहाँ आकर कह दे, हम सबकी जिम्मेदारी सिल्वा पर है। सिल्वा ने अपने चर्च में सबको बुलाया है, आप इनसे क्या चाहते हैं, आप सबको बताइए। यही आप सबको बताइए। ये चर्च हमारा होते हुए भी हमें ही यहाँ से बाहर जाने को बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं, चलो यहाँ से। सर, सर मेरी बात मानिए, बाहर मत जाइए प्लीज।
सर रुक जाइए सर प्लीज। ए, लड़की लेकर जा रहे हो, अब वापस मत आना। ए, तो चुप कर रहा यार। ए, अब क्या बचा है दोस्त? अरे नहीं, अरे सुनिए तो। ए, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। मेरी बात सर, मुझे इस बारे में सच को कुछ पता नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तुझसे पहले धंधा छोड़ने के लिए कहा था ना, मेरा अपमान कर दिया तूने। मेरी इज्जत चाय वाले से लेकर फाइव स्टार होटल तक है, मेरा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ सबकी लाश गिरा सकता हूँ। कितना कमाया तूने, कितना कमाया? माधवपुर रामबाग हर तरफ मेरा ही धंधा है। सर प्लीज सर, मेरी बात। आज के बाद तू अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मेरा नाम सिल्वा है, मौत का देवता जो सीधा भगवान के पास पहुंचा देता है। रो रही हो? बताओ किस लिए रो रही हो? उन सब लोगों ने मिलकर मेरे पति को मार दिया। हम लोग ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। हम लोग सचमुच ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। हम लोग अब इस गांव में नहीं रहना चाहते। हम लोगों ने बहुत सहा है भैया। जाना है गांव छोड़कर? जाना है? जो मरा था कोई और नहीं था, मेरा बाप था। ए, इसको लेकर तू गांव छोड़कर जाना चाहती है? देखो मुझको, मेरे अंदर भी दिल है। इससे अच्छा तो ये है तुम इसे मार दो। कम से कम ये डरपोक और बुजदिल तो नहीं बनेगा। उनसे डर के तुम्हारी तरह गांव तो नहीं छोड़ेगा। ये उन लोगों की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। मुझ में भरोसा नहीं? ये राम का भक्त सल्ली है, एक एक को ढूंढेगा, एक एक को मार डालेगा। जिसने भी तेरे बाप को मारा है उन सबको मारेगा तू। ए पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बस स्टॉप पर उतरो ना। क्या दोस्त, वो तो देख ही नहीं रही। ए पल्लवी। अरे यार, वो सुनकर भी तुम्हारी बात नहीं सुन रही है। अरे अब ये बात मुझे क्या पता, तुम जानते हो क्या? ये मेरे कारण हुआ है। छी, अरे ऐसे मत बोल यार। ए चल चल, गाड़ी निकल, गाड़ी निकल। हाँ हाँ, चलो चलो गाड़ी में बैठते, चलो। चलो भाई जल्दी उतरो, स्टॉप आ गया, उतरो जल्दी। पल्लवी, उतरने के लिए बोलो तो उतरी को नहीं? कुछ बात करनी है तुमसे, गाड़ी में बैठो। मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे गाड़ी में बैठो ना। छोड़ो मुझे। अरे चलो। क्या है, बात क्या है, बताओगे? बहुत कुछ बोलना है। जो भी बोलना है जल्दी बोलो, अगर पापा ने हम दोनों को देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुमने बहुत कुछ बोला है और मैं चुपचाप सुनती आई हूँ, अब कुछ बोलने को है? ए दोस्त, सीधा वाइन शॉप चल, वाइन शॉप 10-12 बोतल लेंगे और पियेंगे, इसके बाद सोचेंगे। समझ गए ना आप लोग? सही बोला भाई। ए उठो, उठो बेटी। आ? उठो। क्या हुआ पापा? तुम दोनों शादी करने वाले हो? क्या बोल रहे हैं पापा? मुझे पता है तुम दोनों शादी करने वाले हो। ये बात आपसे किसने कहा पापा? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? वो बात नहीं है। वही बात है पापा, अगर आपको मुझ पर यकीन होता तो इतनी रात गए मुझे उठाकर मुझसे ये बात नहीं पूछते। आप क्यों मुझ पर इतना शक करते हैं पापा? आपसे मेरी खुशियां नहीं देखी जाती। ए, 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 आराम से सो जाओ। हाँ आराम से सो जाओ। हाँ ठीक है।
क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? मेरे घर में सब ठीक नहीं है। हमारी शादी के बारे में पापा को पता चल गया। कैसे पता चल गया? मैं क्या जानू कि उन्हें कैसे पता चला। मैं तुम्हारे पास आऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी रात को तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। रुको रुको, एक काम करता हूँ, मैं खुद ही चला आता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत आना, कोई लफड़ा हो गया तो बताओ अब क्या करें। सुंदर बोलो ना, एक बात बोलो, तुम मुझे प्यार से देखोगे ना? तुम चुप क्यों हो सुंदर? तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर आ जाओ। तुम्हारे पापा से भी ज्यादा मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी देखभाल करूंगा। आओ आओ, मैं देखभाल करूंगा। भाई को क्या हो गया? भाई, वो रात को इसी की फोटो देख रही थी, इसके लिए हमें छोड़कर गई, हमारे दिल पर घाव दिया। रात को वो बोली, माँ बाप से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। भाई, उसने आपके साथ साथ मुझे भी चोट पहुंचाई है। मैं उस लड़के को नहीं छोड़ने वाला, बस एक बार वो मुझे मिल जाए। ए सुनबे, उनको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं, वो बचने नहीं चाहिए। मैंने उसे अपने हाथ से नहीं मारा तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। ए ऑटो रोको जा रे, तू निकल यहाँ से। ए ये क्या रे, तू सारी रात यहीं खड़ा था क्या? वो आई नहीं यार। अरे तो फोन करके बात कर लेता, रिंग हो रही है लेकिन उठा नहीं रही है। सिल्वा ने कुछ गड़बड़ जरूर किया होगा, कुछ पता नहीं। ए चलो यार, उसके गांव चलते हैं, वहां चलकर देखते हैं क्या है। चलो ए, उसके गांव में जाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं हमें। तो क्या करें यार, उसके आने का वेट करें क्या? चलो सुंदर। सुंदर एक बार पहले सोच लेना, उसके गांव वाले तेरे दुश्मन है, तुम्हें वहां छोड़ेंगे नहीं। तू चुप करना यार। ए सुंदर चलो चलो। चल रहे के घर के बारे में तुझे कुछ पता है क्या? नहीं। एक काम कर, एक काम कर, मैं पूछ कर आता हूँ। ये तो मरेंगे ही, मुझे भी मरवाएंगे, जान बूझ कर खतरा मोल ले रहे हैं। तुम लोगों को कितनी बार कहा है मैंने, कोई भी काम सोच समझ कर करो। भाई साहब, भाई साहब, सिल्वा का इस गांव में घर कहाँ पर है आपको पता है? अरे
ये उसी का आदमी है, पकड़ो इसे, पकड़ो, छोड़ना मत, मारो इसे। अरे बाप रे बाप, सबको मार दिया, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। देखा ना, मेरी बात नहीं माने करा पीछा, आज कहे ना हम लोग। ए, क्या ए, रुक, रुक, भाग तक किधर है, रुक, रुक, मैं छोड़ूंगा नहीं, भाग के कहाँ जाएगा। क्या कर रहा है, अरे गाड़ी क्यों रुकी, देख उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, बात खराब है क्या, नीचे उतरेंगे तो वो लोग हमें चैन से मार डालेंगे। भाई भाई भाई, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, भाई जल्दी करो, ले उठाओ, अरे ले चलो इसको, भाई भाई चलो चलो पकड़ो उसे, पकड़ो भागने दे भाई, चलो करपाई, मेरी बात तो ध्यान से सुन, तुम लोग कहीं भी जाकर छुप जाओ, सिलवा हम सबको मणि के लिए ढूंढ रहा है, हमारी गाड़ी से उसे चोट लगी है, हो सकता है कि वो तुम सब लोग को भी मार दे, वो लोग वहां पर आने वाले, इससे पहले एक काम करो, तुम सब लोग वहां से भाग जाओ। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं वहां पर गाड़ी भेज देता हूँ, तुम लोग उसमें बैठ कर निकल जाओ, लेकिन देर मत करना, समझे क्या। ठीक है, हम निकलते हैं, निकलते हैं। ए भाई, कहां भाग रहा है, इतनी तेजी से। तू अपना काम कर, चल। ए बेटा, इधर इधर, तेरा घर इधर है, वहां कहां जा रहा है, बीच में ही टोक देती हो। ए मौसी, मेरी नौकरी दुबई में लग गई है, मैं वहीं जा रहा हूँ, तेरा पत्ता ना ऐसा उल्टी बात करते है, मार दे। अरे बाप रे, मर गया, रास्ते में किसने रख दिया था, मैं टकरा गया। आइडिया, इधर से रास्ता बंद हो गया है, इधर से जाता हूँ। क्या तुझे सच में दुबई में नौकरी मिल गई है? है? और नहीं तो क्या, उस कंपनी को मेरे जैसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं, इसलिए कंपनी ने मुझे स्पेशली बुलाया हुआ है, बहुत बड़ी ऑयल की कंपनी है, दुबई जाना सबके भाग्य में थोड़ी होता है। मेरी शर्ट कहाँ है, अरे रे, कपड़े भी टाइम पर नहीं मिलते, मुझे देर हो रही है। मैं रेडी हो गया, जल्दी से चलिए, वरना वो लोग आ गए तो हमारी बोटी बोटी काट कर कीमा बना देंगे, जल्दी चलो। कहाँ जाना रे तुझे, तुम्हें भी पकड़ के रखा है, तुम खुश हो क्या? क्या बताओ यार, मुझे सुबह से पकड़ के रखा है, अभी तक छोड़ा नहीं इन लोगों ने मुझे। भाई भाई, प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? ए, पानी चाहिए। हेलो। ए तू किधर छिपा रे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। सिलवा बात कर रहा है, तेरे सारे दोस्त मेरे कब्जे में हैं, तू भी नहीं बचेगा, बता मेरी बेटी कहाँ है। मुझे कैसे पता होगा, वो मेरे साथ है नहीं। बेटी भी भगाता और आंख भी दिखाता है। भाई मुझे छोड़ दीजिए ना। मारो इन्हें। क्या हुआ? नहीं, सिलवा उन्हें छोड़ दे। दिमाग ठिकाने पर आया, मेरी बात ध्यान से सुन, इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा, सबके टुकड़े 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 करके फेंक दूंगा। नहीं, ए उनको छोड़ दे सिलवा। सुंदर, इन लोगों ने लगता है पल्लवी को मार डाला है, तू इन लोगों के पास मत आना, वरना तुम्हें भी मार डालेंगे। मत आना सुंदर, इनके पास मत आना। बात क्या हुई, वो बुला रहा है, सही लग रहा है। आखिर क्या हुआ सुंदर? उसने मेरे दोस्तों को पकड़ रखा है, वो मुझे बुला रहा है, वो हमें मारने के लिए प्लान बना रहा है। नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम वहां पर नहीं जाएंगे। सर, एक्सीडेंट कल रात में हुआ था और वो एरिया तमिलनाडु में आता है। फिर उसको यहाँ के हॉस्पिटल में कैसे एडमिट किया? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। कहाँ पर? बस यहीं पे। नहीं, नहीं पहचानता, जब तक मैं ना कहूं इसे यहीं पर रखना, कोई मिलने आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, इसे जानने वालों को मैं ट्रेस करता हूं। ओके,
एक्सक्यूज मी, टॉयलेट किधर है? उधर सामने। ओके। तू सिल्वा की बेटी है ना? मैंने तुझे मारने का सोचा था। तू अपने आप से नहीं मर सकती, नहीं मर सकती। अरे अरे, अगर तू पहले मर गई होती तो तेरे बाप सिल्वा को मारने का मजा खराब हो जाएगा। मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं समझी क्या? अरे बाप के साथ मरने का मजा लेना सिल्वा, सिल्वा। हेलो हेलो हेलो, अरे मैं सुंदर बोल रहा हूँ। अरे तुम कुछ बोलो ना, ए चुप क्यों हो? अरे कुछ तो बात करो, यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं पागल हो जाऊँगा। बात करो ना, कुछ तो बोलो, मैं सच में जान दे दूंगा। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अरे तुम जहाँ बोलोगी मैं आ जाऊँगा, प्लीज तुम बोल कर तो देखो। अरे बोलो ना। ए कौन है? अरे कौन है? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? ए कौन बोल रहा है? ए कौन बोल रहा है बोलो ना। अरे कौन है? ए कौन बोल रहा है? चे इंस्पेक्टर साहब, वहां क्या हुआ है? आप यहां क्या ढूंढ रहे हैं? और ये नीचे खून किसका गिरा है? सर ये तो पल्लवी का मोबाइल है। ए साला ए। सर ये कपड़े भी तो पल्लवी के हैं। ए बकवास बंद कर, जा यहां से। सर पल्लवी कहां है? आपको छुपा रहे हैं मुझसे। कह रहा हूं चला जा, कह रहा हूं ना। ए तुम दोस्तों के साथ गलत मत करो। मोबाइल किधर गया? अभी यहाँ से आओ, मुझे चुपचाप चला जा। अरे ये तो मोबाइल भूल कर चला गया साला। ए छोड़, छोड़ के जाऊँ ना मैं? जब बोला था ना चला जा यहाँ से। मैं तुझे भी मारूंगा, तेरे दोस्त को भी मारूंगा। मुझे पहचानेगा? मुझे पहचानेगा? मुझे पहचानेगा? मुझे पहचानेगा? लेकर आऊंगा। आप उसका गला काट देना। आप उसे नहीं मारेंगे तो मैं उसे मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। चुप चुप रह भाई, भाई उसको मैं मारूंगा भाई। नहीं उसको कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं, कोई नहीं। उसको मैं मारूंगा, सिर्फ मैं मारूंगा। तुम में से कोई भी उसे नहीं मारेगा भाई। ऐसा क्यों भाई? बताता हूं मैं तुम्हें, बताता हूं आज ही तुम्हें बताऊंगा। अरे ये क्या सुंदर, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं याद नहीं आया मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता था।
इसलिए जानकर तेरे पास आया। मैं तेरा कुछ नहीं लगता क्या? सुंदर, पल्लवी का मैं जानता हूँ। पल्लवी कहाँ है जल्दी बताओ ना, पल्लवी कहाँ है दोस्त जल्दी बताओ। उसका पता बताओ तो तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। ये तुम्हारे इस दोस्त का वादा है तुमसे। बताओ ना वो कहाँ। मेरे लिए कुछ भी करोगे तुम? करूंगा, तुम जो बोलोगे वो करूंगा। तुम्हें सिल्वा को मारा? सिल्वा को कैसे मार सकता हूँ मैं? सुंदर, वो तुम्हारा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। उसे मारने के बाद ही पल्लवी तुम्हें मिल सकती है। मेरे रास्ते में आने वाले को मैं क्यों पहचानूं? पल्लवी ने मुझे समझा, प्यार दिया, मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं उसके साथ इंसाफ करके रहूंगा। मैं सिल्वा को मारने के लिए तैयार हूं, अपनी मोहब्बत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरी पल्लवी के लिए मैं सबको मार दूंगा। ऐसा लगता नहीं कि तुम कुछ करोगे, पर तुम्हारा नाम सुंदर है, शायद कर लो। हर हाल में मुझे पल्लवी चाहिए। चलो चलो चलते हैं, साले अभी इंतजार कर रहे हैं। चलो Come on!
कहाँ पर है तुम? अलिया! तूने मेरे भाई को मारा था, आज मैंने बदला ले लिया। बालिया कहाँ है तू? अरे बालिया, क्या हुआ इंस्पेक्टर? आपको आने में देर हो गई। वो सुंदर है ना, उसने सबको मार दिया, सबको मार दिया, मार दिया उसने सब। जाता हूँ। जाओ जाओ जाओ, अरेस्ट करो उसको। आप लेट जाइए, लेट जाइए, उठिए मत। रिलैक्स रिलैक्स। लगता है वो नहीं बचेगा। सर, ए, यहाँ क्या कर रहा है? अब तक गया नहीं? ए, खाना खाया तूने? खाना खा के घर जाना चाहिए था तुझे। कॉन्स्टेबल, इसे खाना तो खाने के लिए। यस सर। सुंदर, बोलो ना। तुम मुझे
हमेशा प्यार से देखोगे ना? क्या गाड़ी के नीचे दबके कोई मर गया है? सुंदर से वो बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने पुलिस वाले को मार दिया। सुंदर के लिए लेटर आया है, ये लो बेटी। तुम रो क्यों रही हो? सुंदर को सरकारी नौकरी मिली, उसी का अपॉइंटमेंट देता है। ये जो घटना आपने देखी, ये कुमारी माओ आराम गांव के न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ऐसा कोई कदम न उठाएं।